हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन का शुरुआत हो रही है। आज हम जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए सितारगंज। आज सितारगंज के लिए हम रवाना हो गए घर से अपने। अभी हम हैं जंगल में। ये सितारगंज से पहले एक जंगल पड़ता है, जो वहाँ का जंगल है। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में, आपको मजा आएगा। तो गाइस, हम यहाँ पहुँच गए हैं। सामान तैयार है, टीम हमारी तैयार है पूरी। अब जा रहे हैं शिकार खेलने। गाइस, हमारी टीम है तैयार मच्छी मारने वाली। ये है सामान हमारे साथ। मुमताज भाई शिकारी इन्हें डोरे बना दिए भाई। मुमताज भाई लग गए डोरे बनाने में। सब लोग तैयार हैं। ओए शिकारी, छोटा शिकारी। ये दोस्तों, डोरे डालना स्टार्ट हो गई हैं। डोरे हम बना रहे हैं, इसमें चारा डाल के सीधे लगाते हैं इसमें, और डालना स्टार्ट कर दिया है। अब लगाएंगे हम इसमें चारा। ये लगाओ इसमें यार कुछ चारा वारा, तभी मैं फेंकता हूँ इसको। हमारे रेडी हो गए डोरे डालने के बाद। अब बस इंतजार करना है, इंतजार, थोड़ा इंतजार भाई। इस काम में जो मजा है ना, वो कहाँ किस काम में ऐसा मजा नहीं। आदमी काम धाम छोड़ के भूखा प्यासा बैठा रहता है, लेकिन मजा बहुत आता है। जो मजा मच्छी मारने में, किसी काम में ऐसा मजा नहीं आता यार। अब बस इंतजार है, कुछ मजेदार पीस आ जाए कोई अच्छा। ये देखो छोटी छोटी मच्छी किस तरह तैर रही है यहाँ। ये क्या ये खाने लायक हो सकती है कैसे? लेकिन इनको पकड़ा कैसे जाएगा यार? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। कोई कोई कपड़ा अगर मिल जाए तो हो सकता है मैं इसका जुगाड़ बना दूंगा। चलिए छोड़िए दोस्तों, हम अपने डोरों पर ध्यान देते हैं। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों, इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही आएगा मैं दिखाऊंगा आपको। करीब 11 बजने वाले हैं। अब हम यहाँ पहुँचे हैं हल्द्वानी से सितारगंज। बहुत टाइम लग गया है दोस्तों यहाँ। अब मीटर दिखाओ दोस्तों। बैठे हैं आराम से, अब दूर पड़ गई है हमारी। बस अब इंतज़ार है किसी में कुछ हलचल हो और हम कुछ करें। हमारी टीम कुछ यहाँ बैठी है, कुछ उस साइड बैठी है। सब लगे हैं डोरे फेंकने में, धड़ाधड़ फेंकने में, लेकिन अभी किसी का शुरुआत नहीं हुई किसी पर। सब धड़ाधड़ अभी इंतजार कर रहे हैं, फटाफट जिसके पास माल आए कौन पहले मारेगा। जिसके पास ही आएगा दोस्तों तुरंत दिखाएंगे हम आपको। दोस्तों हम आए थे यहाँ मच्छी मारने, लेकिन ये देखो सामने क्या दिखा, कितना बड़ा मगरमच्छ मैंने आज तक नहीं देखा दोस्तों। अब लगता है सीधे घर जाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा मगरमच्छ, यहाँ हम मछली मारने आए हैं और ये यहीं घूम रहा है। देखिए दोस्तों पहली बार ये मगरमच्छ मैंने देखा। हाय साहब, कितना बड़ा मगरमच्छ है ये, और यहीं पे हम मछली मार रहे हैं ये पुल के नीचे। ये देखें भाई, इसको देख के तो मेरे को डर लगने लगा। अब हम जा रहे हैं सीधे जस्ट साइड में। दोस्तों हमने वो जगह चेंज कर दी, वहाँ पे बिल्कुल मच्छी नहीं थी। फिर हम आ गए यहाँ। यहाँ पे हम आए तो हमने एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ देखी। हाँ, इतना बड़ा मगरमच्छ मैंने देखा, लेकिन वो उस साइड में है, हम आ गए इस तरफ। लेकिन हम थोड़ा दूर से बहुत सावधानी से हम यहाँ दूर से मच्छी का चारा फेंक रहे हैं दोस्तों। अब हम इस जगह डालेंगे डोरे, तो यहाँ हो सकता है कुछ मिल जाए। वो मगरमच्छ वहाँ उस तरफ वहाँ रह गया। हम आ गए यहाँ
डोरे डालना हमने कर दी स्टार्ट, अब देखते हैं कितनी देर में कुछ मिल पाता है। तो गाइस अब हम फिर हमने सारी डोरा यहाँ लगा दी हैं, अब फिर बैठे हैं, फिर सबर कर रहे हैं, ये है किस समय कुछ भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये जो लकड़ी का टुकड़ा जो है, ये अगर अंदर डूब गया तो समझ लो मछली है। ये हमें बताएगा कि मछली है या नहीं। चारा लगा के हम बैठे हैं यहाँ नदी किनारे, अब जैसे ही आएगी तुरंत वहाँ पता लग जाएगा। आधी टीम हमारी वहाँ बैठी है। देखिए दोस्तों हमारे पास शुरुआत हो गई है, ये देखिए दोस्तों आ गया हमारा पहला, ये देखें दोस्तों, ये हमने ये पहली बार उद्घाटन हो गया हमारा, ये मछलियाँ मिल गई है। ये वाओ दोस्तों देखें, एक बार हाथ में लेके ऊपर हाथ में लो, ये हाथ में पूछ पकड़ गए कुछ, ना ना नहीं भागी, एक बार फोटो देखें, ये देखो दोस्तों मज़ा आ गया, शिकार आना चालू हो गया है, अब दिखाते रहेंगे आपको। गाइस हमने जगह चेंज कर दी, पहले हम उस तरफ थे, अब हम आ गए यहाँ इस तरफ, वहाँ पे मछलियाँ नहीं आ रही थी, ये हो गई वहाँ आ नहीं पा रही थी भरपूर तरीके से, तब हमने जगह चेंज करी, अब यहाँ आए हैं, अब यहाँ देखते हैं क्या रहता है। लेकिन ये वही मगरमच्छ वाली साइड है, मगरमच्छ हमको वहाँ पुल के पास वहाँ दिखा था, यहाँ तो शायद नहीं आ पाएगा वो, काफ़ी सेफ जगह है वहाँ से, काफ़ी सेफ जगह है ये। चलो दोस्तों फिर देखते हैं कुछ आता है या नहीं, या फिर एक दो मछली ही लेकर घर जाना पड़ता है। भाई साहब शाम के 5 बज गए, हम 6 लोगों में से सिर्फ 4 ही मच्छी पकड़ी हैं, 6 लोगों ने। सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं भाई, शाम के 5 बजने वाले हैं, लेकिन 4 मच्छी पकड़ी 6 लोगों ने, बताओ भाई क्या होगा मुमताज भाई, ऐसे में बताओ यार। कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं उखाड़ा, वो भी इसी इंतज़ार में बैठे हैं सुबह से कि अब आएगी भाई, कब आएगी भाई, सारे कांटे डोर सब इसी में तोड़ तोड़ के बहा दी, कुछ नहीं निकला भाई। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर, लास्ट कांटा था वो भी उन्होंने इसमें तोड़ दिया, कुछ निकाल लो यार, निकाल लो अगर आ जाएगा तो। कांटा बहुत बढ़िया ले यार। ठीक है गाइस अब हम जा रहे हैं घर, अभी दिखाते हैं सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे किसने कितना माल पकड़ा। गाइस ये मच्छी पकड़ी है मुमताज भाई ने, और उन लोगों ने पता नहीं कितनी मच्छी पकड़ी है, अभी देखते हैं वहाँ चल के। तो देखिए गाइस कैसी जगह है ये, ऐसा लग रहा है कैसे रेगिस्तान में आ गए, चारों तरफ रेत ही रेत, वहाँ उधर नहर है उस पार, और वो सुबह जो मगरमच्छ देखा था वो वहाँ देखा था, वो उस तरफ पत्थर के पास। ये नज़ारा शाम के टाइम बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडी हवा आ रही है, देख सकते हैं दोस्तों कितनी रेत है ये। ठीक है गाइस अब चलते हैं ऊपर, वहाँ हमारी बाइक खड़ी है। तो भाई फरीद भाई ने ये इतनी बड़ी मछली पकड़ ली, सबसे बड़ी मछली फरीद भाई ने ही पकड़ी है, देख सकते हैं आप 1.5 किलो की मछली इन्होंने पकड़ी है, दिखा भाई मछली दिखा। और हमारे इस भाई ने पकड़ी है 3 मछली पकड़ ली, ये बन गया 30 मार्क। हाँ तो भाई टाइम होने लगा था घर जाने का, हम जाए घर,
तो भाई हम जाने लगे थे घर, हमारा क्या था जाने का टाइम, फिर सारे लोग हमें इकट्ठे हो गए, कपड़े वपड़े पहन के लोग घर के लिए रवाना हो गए। अब रात हो चुकी थी भाई, हमें यहाँ चलते चलते आपके चलते रात, अभी रात हो चुकी है, अभी हम हैं सितारगंज, सितारगंज से अभी हमको पहुँचने में लगेगा टाइम, रात में घना जंगल आने वाला है, उसका भी हमें सामना करना है। तो भाई रात बहुत हो गई थी, हम पहुँच गए सितारगंज सागु जंगल में, ये बहुत ही खतरनाक जंगल है, यहाँ से हमें समय लग गया था पहुँचने में 1 घंटा। तो भाई वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।